सब्सक्राइब कीजिए शेखावत टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज आपको बताइए कि आईफोन 8 लॉन्च होने वाला है, जो कि 10 बजे लॉन्च होगा। शायद वीडियो 10 बजे एक बाद आएगी, पहले आएगी तो बताए तो हम कुछ ही मिनटों में या फिर कुछ ही हो गया होगा लॉन्च। एग्जैक्टली अभी कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वीडियो लेट भी आ सकती है, जल्दी भी आ सकती है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकता मैं। दोस्तों आज का बाहर का कुछ साउंड आ रहा है उसके लिए पहले ही सॉरी बोलता हूँ आपको। कहीं कुछ चल रहा है तो मैं उसको कुछ रोक भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो क्या कर सकते हैं उसमें, तो उसके लिए सॉरी। बाकी आज की टेक्निक स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह शेखावत, आप देख रहे हैं शेखावत टेक्निकल। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। दोस्तों आपके पहले अपडेट की बात किया, दोस्तों आज का पहले अपडेट वोडाफोन की तरफ से आया। दोस्तों वोडाफोन ने अपना एक नया ऑफर लॉन्च, ऑफर जैसे मान सकते हैं, क्योंकि वोडाफोन ने कहा है कि जो भी हमारे एम पैसा रिचार्ज करते हैं उनको, एम पैसा जो होता है इनका एक कुछ है जैसे एयरटेल मनी वगैरह होता है, जियो मनी, उस तरह से एम पैसा है, तो उसमें जो रिचार्ज करेगा तो उसको फुल टॉक टाइम मिलेगा। कुछ जैसे 100 रुपए का रिचार्ज किया तो 100 रुपए का ही फुल टॉक टाइम मिलेगा। तो क्या फायदा ऐसे रिचार्ज ऐसे कुछ करने में, कुछ सेंस नहीं बनता कुछ, मेरे को नहीं लगता कुछ ऐसे कुछ करने से जियो से आगे निकल जाएंगे या फिर जियो को टक्कर दे पाएंगे। अगले अपडेट की बात की दोस्तों, अगला अपडेट ओप्पो की तरफ से। दोस्तों ओप्पो ने अपना नया मोबाइल लॉन्च कर दिया, ओप्पो A71, जिसकी प्राइस जानिए आप। प्राइस 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 दोस्तों, इसकी प्राइस है 12,990 रुपए। 12,990 रुपए, आगे बात करने से मतलब नहीं है। इसके अंदर केवल सेल्फी मिलेगी आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी लॉन्च जल्दी ही हो जाएगा ये। अगला अपडेट की बात की जाए तो अगला अपडेट एप्पल आईफोन 8 की तरफ से आया। दोस्तों एप्पल आईफोन 8 इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं iOS 11 के अंदर। क्या बदलाव किए एग्जैक्टली वो अभी लॉन्च होने के बाद पता चल जाएगा, लेकिन देखते हैं क्या बदलाव किए गए हैं इसके अंदर। दोस्तों अगला अपडेट सैमसंग की तरफ से, सैमसंग ने भी कह दिया है, जैसे आईफोन 8 लॉन्च हो उसके पहले ही कह दिया है कि हम भी अपना एक कुछ प्लान ले, एक प्लान बनाया है हमने, जिसमें प्लान कह सकते हैं या फिर एक को कुछ सोच की है उन्होंने कि हम भी अगले साल तक 2018 तक एक फोल्डिंग मोबाइल आने की सोच सकते हैं। अगला जो मोबाइल आएगा सैमसंग का शायद वो फोल्डिंग मोबाइल आ सकता है, उसको आप फोल्ड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, टैबलेट बना सकते हैं, मोबाइल बना सकते हैं। देख तो क्या सैमसंग के दिमाग में पहले से ही बात चल रही थी हालांकि, लेकिन देखते हैं क्या सैमसंग करता है आगे, क्या इसके ऊपर जोर दे पाता है इसके ऊपर। अगले अपडेट की बात करें दोस्तों, अगला अपडेट भी सैमसंग गैलेक्सी S8 की, सॉरी नोट 8 के लिए आ रहा है। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 फाइनली इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया है और इसकी प्राइस है 67,900। अब दोस्तों प्राइस तो खैर ठीक ठाक बराबर लॉन्च कर दी है और सेम जो भी आप इंस्ट्रक्शन सब जानते ही हैं कि इसमें 6.3 इंच की डिस्प्ले है, डुअल रियर कैमरा है, 12.12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, फ्रंट कैमरा जो कि 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है आपको और 7.9 के साथ नोकोट के साथ आ जाता है। दोस्तों अगले अपडेट की बात किया दोस्तों, अगला अपडेट व्हाट्सएप की तरफ से। तो व्हाट्सएप ने अपने कुछ नए फीचर लॉन्च करने की सोचा, जो कि पहले iOS में मिलेंगे, बाद के अंदर एंड्रॉइड में मिलना शुरू होंगे। iOS में केवल पहले मिलना शुरू हो जाएंगे। व्हाट्सएप में ये कहा गया है कि मतलब अगर आप किसी मैसेज को भेज देते हैं, अगला पहला सीन नहीं करता है, उसके बाद केवल डिलीवर होता है, तो उसमें आपको या फिर या तो आप अपने मैसेज को वापस डिलीट कर सकते हैं, उसकी मोबाइल डायरेक्ट उसके पास जाएगा नहीं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप जो मैसेज होता है उसको एडिट कर सकते हैं। देखते हैं कि ये कब तक एंड्रॉइड के अंदर आता है। खैर iOS में जल्दी आना, जो कि एप्पल iOS है उसमें बहुत जल्दी ही आ जाएगा। दोस्तों अगले अपडेट की बात की दोस्तों, अगला अपडेट सैमसंग के स्मार्टफोन की तरफ से। सैमसंग का एक स्मार्टफोन है A7, जो कि उसको एंड्रॉइड नोगा का अपडेट मिलना शुरू हो गया है। वो ये कुछ लीक्स आए हैं कि एंड्रॉइड नोगा का अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी कीमत है 33,490 रुपए मोबाइल की। तो देखो कब तक मिलता है, क्या मिलता है, आगे देखने की बात होगी। अगला अपडेट Xiaomi के Mi A1 की तरफ से, जो कि आज पहली बार सेल के ऊपर आया था और बहुत ही अच्छा बिका है लोगों, मतलब लोगों का कुछ इंटरेस्ट तो है इसके लेने के अंदर। तो देखते हैं क्या, मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा बस। अगला अपडेट है नोकिया के 3 के लिए, नोकिया 3 के लिए उसको 7.1.1 का अपडेट मिलना शुरू हो गया है, जो कि नोगा का अपडेट मिलना शुरू हो गया है। अब देखते हैं कब तक सब मोबाइल के अंदर आ जाता है, वो देखने की आगे बात होगी। बाकी देखते हैं कब तक किस मोबाइल को अपडेट मिलते हैं, धीरे धीरे सबको नोगा का अपडेट मिलना शुरू हो गया, क्योंकि एंड्रॉइड ओरियो जल्दी आ गया सभी मोबाइल के अंदर, बाद में एंड्रॉइड ओरियो भी देखना जरूरी बन जाएगा। देखते हैं कौन से मोबाइल कब तक अपडेट्स आते हैं। बाकी आपने अपडेट किया, आपके मोबाइल में अपडेट आया नहीं आया एंड्रॉइड नोगा का, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। बस दोस्तों आज की यही टेक्नोस थी, और आपको बाहर के एक साउंड के लिए, बैकग्राउंड साउंड के लिए थोड़े क्षमा बोलता हूँ, मैं सॉरी मांगता हूँ आपसे, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड थोड़ा आज ऐसा ही रहेगा, पूरे दिन ऐसा ही था। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। दोस्तों वीडियो देखना बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन में जरूर से क्लिक कर दे, सब्सक्राइब बटन उसमें जरूर से टैप करता है कि हम जैसे वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।